जब से कोरोना महामारी आई है लोगों में दहशत फैली हुई है। साफ सफाई को लेकर पहले लोग जितने ही लापरवाह थे अब उतने ही संवेदनशील हो गए हैं। शुरुआत में जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो लोग बाहर का सामान भी लेने से परहेज करने लगे थे। साग सब्जी तो लेना ही बंद कर दिया था। शहरों में डिब्बा बंद फल सब्जियों का चलन बढ़ गया था। समय के साथ लोग सब्जियां बाहर से लेने लगे, लेकिन अब भी कई तरह की एहतियात बरत रहे हैं। शुरुआत में कई लोग ऐसे थे जो सब्जियां घर में लाकर उसे सैनिटाइज करते थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सब्जियों को सर्फ या साबुन से धोते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या फल सब्जियों को इतना साफ करना सही है? एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा करना कतई अच्छा नहीं है। साबुन या केमिकल से साफ करने से फल सब्जियों में मौजूद कुछ पोषक तत्व के बाहर निकल जाने का खतरा रहता है, इसलिए पानी से साफ करना ही सबसे बेहतर उपाय है। महामारी के दौरान डिब्बा बंद फल सब्जियों का चलन बढ़ा। फूड इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने बताया कि जिस धरती पर आप हैं क्या इसे साफ कर अलग कर देते हैं? उन्होंने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब आप धरती पर होंगे तो कई जटिलताएं आपके साथ आएंगी। इनमें से कुछ ऐसी होंगी जिन्हें आप देखते भी नहीं हैं, लेकिन ये जटिलताएं आपके साथ चलती रहती हैं। महामारी के दौरान निसंदेह पूरी दुनिया में डिब्बा बंद फल सब्जियों का चलन बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक 2020 में डिब्बा बंद फल सब्जियों के कारोबार में 900% की बढ़ोतरी हुई। पानी से साफ करना सबसे बेहतर तरीका। डिब्बा बंद फल सब्जियों की लोकप्रियता के बावजूद एक्सपर्ट इस बात को तस्दीक नहीं करते कि फल सब्जियों को साबुन से धोना चाहिए। कई फ्रूट स्टैंडर्ड एजेंसी NHS और फ्रेश कंसोर्टियम ने माना है कि सब्जियों या फलों को घर में इस्तेमाल करते समय पानी से साफ करना ही पर्याप्त है। नीली निकोलस कहते हैं, ताज़ा पानी से सब्जियों को साफ करना सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन ज़्यादा लोग इसे नहीं जानते। उन्होंने कहा कि फल और सब्जियों को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसे पानी से साफ करना बहुत आसान है और यही सबसे उत्तम तरीका है।